हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास शुरू करते हैं और ये वन लास्ट टॉपिक है। आज आपका वन कंप्लीट हो जाएगा। कल सैटरडे है, कल हम अपने पूरे वर्ड्स की रिवीजन करेंगे। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि हम सैटरडे में पूरा हफ्ते का रिवीजन किया करेंगे, तो कल सैटरडे में हम पूरा रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। अब हम रिवीजन कैसे करेंगे? अब हम रिवीजन ऐसे करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और ऑप्शन दूंगी, आप उन्हें टिक करेंगे और आंसर मुझे बताएंगे। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ये कुछ एडवांस है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने करा दिया, लेकिन कुछ एडवांस है क्योंकि हमारे एग्जामिनर अब एडवांस होते जा रहे हैं, तो आपको उस चीज को भी पॉइंट आउट करना ही करना है, तो आप इन्हें भी ध्यान से पढ़ लीजिए। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो आपको मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब हम इसे देख लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट क्या हो रहे हैं। सबसे पहला है, मैंने आपको घोष कल पढ़ा दिया था, अब है शघोष, अघोष, स्वराधार, बलाधार, अनुदान और मात्रा। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ये सब क्या है। देखिए, शघोष क्या है? जब स्वर एक दूसरे के निकट आकर वायु में कंपन पैदा कर देते हैं। जब स्वर एक दूसरे के पास आकर वायु में कंपन कर देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं, तो उसे उसी की सहायता से उच्चारण में सहायता प्रदान करते हैं, और उसी की वजह से हमारे उच्चारण में क्या होती है, सहायता होती है, तो उन्हें ही क्या बोलते हैं, शघोष बोलते हैं। देखिए, जब हमारे स्वर एक दूसरे से टकराकर हमारे उच्चारणों को बाहर लेके आते हैं, जब हमारे जो स्वर होते हैं, जो मात्राएं होती हैं, वो एक दूसरे से टकराकर कंपन करने के बाद उच्चारण देती हैं या हमारे बोलने में मदद करती हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं, शघोष बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अघोष। जब स्वर दूर दूर रहकर बिना वायु के उच्चारण करते हैं, यानी कि जब हमारे स्वर टकराते नहीं है, दूर दूर रहकर ही हमारे उच्चारण में मदद करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे अघोष बोलते हैं। तो शघोष क्या था, यहाँ पर डेफिनेशन आ सकती है, बोला जा सकता है निम्नलिखित में से क्या है। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि डेफिनेशंस क्या है, आपको वहां पे लिखने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ डेफिनेशंस आएंगे, तो डेफिनेशंस पे ध्यान दे दीजिए। देखिए, उससे क्या कहा है, जब स्वर एक दूसरे से टकराकर कंपन पैदा करते हैं और उच्चारण में सहायता देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, शघोष बोलते हैं। जब स्वर एक दूसरे से दूर होंगे तो उसे अघोष बोलेंगे। अब आगे देख लेते हैं स्वराभाग। स्वराभाग क्या होता है, जब शब्दों के उच्चारण करते समय किसी वर्ण पर अधिक बल लगाया जाए। देखिए, जब हम बोलते समय किसी एक वर्ण पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो उसे ही क्या कहेंगे, स्वराघात कहेंगे। ठीक है, जब हम किसी एक वर्ण पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, गै ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी में हम किस पे जोर दे रहे हैं, गै पे जोर दे रहे हैं, तो वही क्या होगा, वही स्वराघात होगा। किसी एक पर्टिकुलर वर्ण पे हम जब बहुत ज्यादा जोर देते हैं, बहुत ज्यादा खिंचाव देते हैं, ओ मैं पे हम जोर दे रहे हैं, तो वही क्या होगा, स्वराघात होगा। अब आ जाते हैं बलाघात। बलाघात क्या होता है, बल आघात क्या होता है, इसका प्रभाव वर्णों के स्थान पर शब्दों पर पड़ता है। अब हम यहाँ वर्णों पे जोर नहीं दे रहे, पूरे पर्टिकुलर एक वर्ड पे जोर दे रहे हैं, वर्णों पे जोर नहीं है हमारा, हमारा किस पे जोर है, शब्दों पर जोर है, पूरे शब्दों पर हम जोर लगा रहे हैं। इसके उच्चारण में विशेषण का समान अर्थ का निवारण और परिवर्तन में सहायक होता है। ये उच्चारण के साथ साथ उनके अर्थ और परिवर्तन में भी सहायक होता है। देखिए, जब हम पूरे शब्द पर जोर लगाएंगे तो वो क्या होगा, बलाघात होगा, और इसमें ना तो इसमें किस किस पे फर्क पड़ता है, उच्चारण पे, उसके अर्थ पर और उसके परिवर्तन पर। उच्चारण, अर्थ और परिवर्तन तीनों पे असर पड़ता है, तो वो क्या होगा, बलाघात होगा। फिर उसके बाद है अनुदान। अनुदान देख लीजिए क्या है, उच्चारण के आरोही और अवरोही क्रम को अनुदान कहते हैं। उच्चारण के आरोही और अवरोही क्या बोलते हैं, अनुदान बोलते हैं। मैंने किसी को, मैंने कोई सीधा नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया मात्रा, अब इसका मैं क्या कर दूं, त्रामा, तो ये क्या हो गया, ये आरोही क्रम है, ये अवरोही क्रम है, तो इसे क्या कहेंगे, अनुदान कहेंगे। अब हम आ जाते हैं मात्रा पर। स्वर और व्यंजन के सहयोग से जो रूप परिवर्तन होता है, यानी कि व्यंजन के साथ जब स्वर मिल जाता है तो उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। और स्वर के सहयोग से जो रूप परिवर्तन होता है, क्या रूप परिवर्तन होता है, जब स्वर और व्यंजन आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो जिनके कारणों से परिवर्तन आता है, उसे ही क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं, उसे ही क्या बोलेंगे, मात्रा बोलेंगे। ए यानी कि छोटे ए को
की मात्रा है। ए ए को छोड़कर बाकी सबकी क्या है, खुद की मात्रा है। मैंने लास्ट लेक्चर में ये मात्राओं को लिखवा दिया था। अगर आपको मात्राओं में कोई कंफ्यूजन है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, अब आपको उनसे मात्राएं रिवीजन हो जाएगी। तो सिमिलर सी बात है, लेकिन आ सकता है किसकी खुद की मात्रा नहीं है, किस व्यक्ति किस स्वर की खुद की मात्रा नहीं है तो ए की मात्रा नहीं है, या किस व्यंजन किस स्वर को छोड़कर बाकी सभी की मात्राएं हैं तो ए को छोड़कर बाकी सभी की मात्राएं हैं। अब इसमें देख लेते हैं, हास्य स्वर में केवल एक मात्रा होती है, जो भी हास्य स्वर होंगे उनमें क्या होगी, एक मात्रा होगी। अब हास्य स्वर क्या होते हैं ये बताइए, मैंने बताया था हास्य स्वर क्या होते हैं, हास्य स्वर होते हैं ए ई उ और बताइए ऋषि, बाकी सारे क्या होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। तो हास्य स्वर में केवल एक ही मात्रा होती है और बाकी सब में क्या होती हैं, दो होती हैं। करने के हास्य स्वर में केवल एक होती है, हास्य स्वर कौन से होते हैं ए ई और उ, जितने भी छोटे होते हैं वो सारे हास्य होते हैं, तो इनकी मात्रा भी क्या होगी एक होगी। लेकिन उसके बाद के जितने भी दीर्घ बचते हैं तो उनकी क्या होगी, इनकी दो मात्राएं होगी। तो ये भी समझ में आ गया। अब हम टॉपिक देख लेते हैं, ये आपको पता है, मैंने एक रिवीजन के तौर पे लिखवा दिया ताकि हम जब एमसीक्यूज लाएं तो आपको इसमें कंफ्यूजन ना। देखिए सबसे पहला है वर्णों की संख्या क्या है, वर्णों की संख्या 52 है। स्वरों की संख्या क्या है, स्वर की संख्या 11 है। व्यंजनों की संख्या, अब तो ये तो वर्ण थे पूरे अल्फाबेट थे, तो हमारे हिंदी वर्णमाला में पूरे 52 वर्ण होते हैं, सॉरी 52 वर्ण होते हैं। स्वरों की संख्या क्या है 11, व्यंजनों की संख्या क्या है 41। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में होमवर्क है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्यंजन कितने तरीके के होते हैं और स्वर कितने तरीके के होते हैं, यानी कि कितने स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे पास 27। अब स्पर्श व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं, मुझे भी पता चले कि मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, हमारे कांस्टेबल साहब कितने पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपका होमवर्क है कि स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में बटा हुआ है। अब स्पर्श व्यंजन भी हमारे क्या होते हैं, चार होते हैं। उष्म व्यंजन हमारे होते हैं चार, आगत व्यंजन होते हैं दो और संयुक्त व्यंजन होते हैं चार। तो ये था आपका हिंदी का पहला चैप्टर जो मैंने आज आपका कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने चैप्टर की चार वीडियो बनाई हैं, आप इन्हें पूरी तरह से रिवीजन कर लेना ताकि जब हम अपनी कल क्लास लेके आए तो आप मुझसे पहले टिक कर लें, आपको पता होना चाहिए कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना स्कोर मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।